कल दिल्ली में हुई पीएम की 14 नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक लगभग 3.5 घंटे तक चली। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद होने वाली यह पहली मीटिंग थी। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला के साथ अन्य पार्टियों के कई 10 नेता भी मौजूद थे। मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताओं से कहा कि वे दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म कराना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि लोगों को, खासकर युवाओं को, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हो। बैठक में अमित शाह ने पार्टियों को संबोधित किया और घाटी के विकास का पूरा ब्यौरा पार्टी के नेताओं के समक्ष रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के परिसीमन कराकर विधानसभा चुनाव कराने और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने को कहा। हालांकि महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला इसके खिलाफ नजर आए। उन्होंने अनुच्छेद 370 को फिर से यथावत लागू करने की मांग की और कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।